विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने एक बड़ा तोहफा दिल्ली में महिलाओं को दिया। दिल्ली सरकार महिलाओं को मुफ्त यात्रा करवाने की बात कर रही है, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? आइए आपको बताते हैं कि दिल्ली सरकार और DMRC को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इससे पहले भी कई तरह की सौगातें दिल्लीवासी को दी है, जिसे उन्होंने पूरा भी किया है, जैसे पानी और बिजली के दामों को आधा करना, हर 15 मिनट में बस का आ जाना। हालांकि कुछ ऐसे भी वादे रहे जिन्हें सरकार पूरा नहीं कर सकी, जैसे मुफ्त वाईफाई और हर बसों में CCTV कैमरा। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आने वाले समय में क्या क्या मुसीबतें सामने आ सकती हैं। आपको बता दें कि DMRC पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार का 50-50% हिस्सा है। ऐसे में DMRC पर दोनों की भागीदारी है। हाल ही में DMRC ने किराया बढ़ाया था, जिसको लेकर लोगों में काफ़ी रोष नज़र आया था। ऐसे में दिल्ली मेट्रो में मुफ्त यात्रा असंभव सा लगता है। मुफ्त यात्रा करवाने के लिए दिल्ली सरकार को तकरीबन 1400 करोड़ का बोझ उठाना पड़ सकता है। दूसरी मुसीबत निकासी और प्रवेश की है। DMRC के अधिकारी मौजूदा प्रावधान वो मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों के प्रवेश और निकास की उपलब्ध व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए विकल्प तलाशने में लगे हैं। इस योजना को लागू कर पाना आसान नहीं, क्योंकि इसमें तकनीकी रूप से कई अड़चनें सामने आ सकती है। सबसे बड़ी तकनीकी अड़चन ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन गेट के माध्यम से स्टेशन पर प्रवेश और निकास से संबंधित है। मेट्रो में टोकन या स्मार्ट कार्ड के माध्यम से ही यात्रियों को स्टेशन पर प्रवेश मिलता है। मौजूदा AFC गेट के माध्यम से निःशुल्क यात्रा के तहत महिला यात्रा को प्रवेश देना आसान नहीं होगा। तीसरी सबसे बड़ी अड़चन ये भी है कि दिल्ली मेट्रो सिर्फ राजधानी में नहीं चलती, बल्कि NCR के शहरों में भी चलती है। DMRC मेट्रो का परिचालन कर रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या महिलाओं को अन्य शहरों में किराया लेना पड़ेगा? इन मुसीबतों को पार करने के बाद ही दिल्ली सरकार महिलाओं को ये छूट दे सकती है। वैसे दिल्ली की बसों में छूट देना आसान है, क्योंकि दिल्ली की DTC बसें दिल्ली सरकार के हाथों में हैं। अब देखना होगा कि सरकार इसको किस प्रकार अमल में लाती है। क्या केजरीवाल सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते नजर आएंगे, या ये सपना सचमुच साकार होगा? दीपक कुमार, पंजाब केसरी स्टूडियो, दिल्ली। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि किसी भी नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएं।